श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है? मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई सो मेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद कहूं जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा तिन्हहिं राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब हो रथ पति ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि पर मन भावन तहां होई मुनि ऋषय समाजा जाहिं जे मज्जन तीरथ राजा मजहिं प्रात समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुन गाहा। ब्रह्मन रूपन धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग कहहि भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग।
एहि प्रकार भरी माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संबत अति होई अनंदा मकर मज्जी गव नहीं मुनि वृंदा एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुज सुबखानी बोले अति पुनीत मृदुवाणी नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत समोही लागत भय लाजा जौ न कहूं बड़ होई अकाजा संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गा होइ न बिमल विवेक उर गुरसन किए दुरा अस बिचारी प्रगटऊं निज मोहु हरहु नाथ करी जन पर छोहु राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत संभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारी जीव जग अहही काशी मरत परम पद लही सोपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करी दाया राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही एक राम अवधेश कुमारा